जी तो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। जी तो मैं आ गई हूँ दोबारा अपने मियाँ मिठू के साथ। तो ये मैंने आपसे पहले नहीं शेयर किया था, ये है जी हमारा गट्टू छोटा सा। ये सुबह सुबह बातें कर रहा था और ये सारी बातें करते हैं, ठीक है। तो मैंने सोचा चलो यार तुम्हारे साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। वैसे तो मैंने आज के व्लॉग में आपको बताना था कि जैसे कि आपने टाइटल से पढ़ ही लिया होगा, थंबनेल से भी आपको पता चल गया होगा कि वेट लॉस के लिए ब्रेकफास्ट मैंने क्या किया और मैंने कितना वेट कम किया। तकरीबन 3 महीने में मैंने 12 किलो तक कम कर लिया था। 65 मेरा वेट था और फिर मैंने 53 तक कर लिया था, सही है। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं आपके साथ शेयर करती जाऊंगी क्या मैंने डाइट किया और क्या मैंने खाया। लेकिन इसके साथ साथ आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है कि मेरी कोई भी वीडियो आए तो फौरन आपको पता चल जाए, ठीक है। तो जी आज का व्लॉग करते हैं हम स्टार्ट। और इसी के साथ जी ये तो मुझे देख कर चुप ही हो गया था, तो मैंने कहा यार मैं तो आई थी तुम्हारी बातें सुनने के लिए, मैंने सोचा चलो यार थोड़ी सी बातें कर लेंगे। लेकिन नहीं जी, ये चाचू लगाई भी थी इसने और इसके अलावा इसने और कुछ भी नहीं बोला। इसने कहा बीबी तूने आज वीडियो बनानी है तो मैंने कुछ नहीं बोलना। वेल मैं फिर गई जी किचन में और किचन में जाते जाते मैंने देखा कि जी अंडा बॉयल हो रहा है यहाँ पर। और फिर जी यहाँ मैंने रखी हुई थी चाय और दूध पत्ती बना रही थी मैं, तो ये दूध पत्ती जो है पप्पो के लिए थी और मैं उन्हीं के किचन में हूँ फ़िलहाल, पप्पो के किचन में। और जी बस ऐसे ही, वैसे तो मैं अपने घर ही होती हूँ सुबह, लेकिन आज मैं इधर आ गई तो नाश्ता वगैरह उनकी जो हैं बहू वो ही बनाती हैं, वो ख़ुद बनाती हैं। लेकिन काफ़ी दिनों से उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो जिसके हाथ जो काम लग जाए वो ही कर लेता है, ठीक है। तो जी बस ऐसे ही चल रहा है हमारे घर। जी तो आप सोच रहे होंगे कि अभी तक तो इसने बताया नहीं है कि जी इसने वेट लॉस के लिए क्या नाश्ता किया और क्या ये खाती रही। खैर पहले तो मैंने देना है सबको नाश्ता और फिर मैं एंड पे आपको बताऊँगी जी कि मैंने क्या खाया और मैं अभी क्या खाती हूँ, ठीक है जी। तो साथ साथ मैं आपके शेयर करती जाऊँगी इंशाल्लाह और आपको भी फ़ायदा होगा। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको फ़ायदा हो तो, अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि वेट लॉस करते तो कहते हाँ जी हमने कम खाया और बस इसी वजह से हमारा वेट लॉस हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता भाई, कम खाने से भी आपका वेट लॉस नहीं होता, कुछ जतन करने पड़ते हैं ऐसे जिससे आपका वेट लॉस होता है। खैर फिर मैं इसके पास आ गई, मैंने कहा यार बोल ले कुछ तो बोल ले। कहता बीबी तू चली जा, इस तो पहले मैं तेनू वर्ड लवान, ठीक है। तो मैंने क्या किया, फिर मैं इसको बाय बाय कहते हुए मैंने कहा गट्टू मैं जा रही हूँ। कहते मगरू लै भई जा भी। खैर फिर मैंने क्या किया जी, मैंने एक पराठा बनाया जल्दी जल्दी से फातिमा के लिए। और फातिमा जो है वो कह रही थी कि बाकी सब ने ब्रेड के साथ नाश्ता किया था, तो वो कहती हैं मुझे तो जी पराठा और चाय खानी है। तो मैंने कहा चलो मैं तुम्हारे लिए पराठा बना देती हूँ। तो फिर जी उसके लिए मैंने पराठा बनाया और उसका हो गया था नाश्ता तैयार। तो जी ये आ गई थी पप्पो की काम वाली, तो ये करती हैं घर का काम और इसी के साथ मैं चली अपने घर। तो ये है रास्ता जाता है मेरे घर की तरफ, तो ये पीछे हमारा पोर्शन है, हम यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। ये मेरा एक रूम है और ये बाथरूम है और ये जो है ये हमारा कमरा और किचन। जी तो फिर बारी आती है न्यूट्रास्यूटिकल की और इसमें मैंने डाला था सौंफ, अजवाइन, सफ़ेद ज़ीरा और जिंजर और दालचीनी थोड़ी सी, और मैंने इसको सही से बॉईल करके तो उसके बाद मैंने इसको ठंडा करके पी लिया था। फिर आती है जी नाश्ते की बारी और नाश्ते में मैंने लिया था जौ का दलिया 2 चम्मच 2 टेबल स्पून, सही है। बस इसके अलावा और कुछ नहीं मैंने इसके अंदर डाला, नो चीनी नो मतलब कुछ भी नहीं। जी मीठा कैसे होगा, मीठा ऐसे होगा कि आपने दो कोई से भी फ्रूट लेने हैं, एक आप ले सकती हैं जी एप्पल ले सकते हैं और एक आप पीच भी ले सकते हैं, अगर पीच नहीं है तो 2 भी एप्पल ले सकते हैं, 1 भी एप्पल ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है। टोटल इनमें जो आप सुबह सुबह कैलोरीज ये कंज्यूम करेंगे ये तकरीबन होती हैं 345 कैलोरीज, ये जो हम पूरा नाश्ता बनाएंगे 345 कैलोरीज का होता है ये।
तो आप ये कर सकते हैं। क्योंकि मैंने वेट लॉस किया तो मैं कैलोरीज काउंट करती थी, ठीक है, तो इसी के साथ मैंने थोड़े से नट्स जो थे वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिए काट के। और ये जी हमारा न्यूट्रास्यूटिकल, और इसके अंदर मैंने जो लेमन डाला, लेमन के अंदर तो रस ही नहीं था, मैंने कहा माशाल्लाह कोई मसला नहीं है। चलो जी, ये था मेराब का नाश्ता, और ये मैंने मेराब को नाश्ता दिया ब्रेड और दूध, क्योंकि उसका जो मुंह था वो पका हुआ था, और इसलिए मैंने आज उसको अंडा और पराठा वगैरह कुछ भी नहीं दिया। आज मैंने इसे बोला, मैंने कहा बेटा तू इसी पे गुजारा कर, सही है। तो जी इसी के साथ उसने किया नाश्ता, और ये दोनों थी मसरूफ़, मेरा भी नाश्ता और अच्छा मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जब आप वेट लॉस कर रहे हो तो बिल्कुल भी आपने दूध है ना उसको बॉयल नहीं करना, मतलब इसके अंदर डाल के बॉयल नहीं करना आपने, ठीक है। चूल्हा बंद करें और फिर उसके अंदर दूध डालें। मैंने आधा कप दूध का डाला था, और इसके अंदर फिर मैंने फ्रूट्स ऐड कर दिए, और ये हो गया मेरा नाश्ता तैयार, और यही मैं नाश्ता करती थी, ठीक है। अब जो है जो मेरा वेट लॉस हो गया, तो अब मैं डिफरेंट तरीके के नाश्ते करती रहती हूँ, मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। इसी के साथ होता है व्लॉग ख़त्म, अल्लाह हाफिज़।